तस्य गौरवाय राष्ट्र कल्याण हेतवे युवकाना विकासाय विवेकानंदं नमाम्यहम् स्वामी विवेकानंद ने कहा है, भगवान के दर्शन गरीब की झोपड़ी में होंगे। तुम पहले दीन दुखी व कराहते हुए लोगों के पास जाओ और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका दुख दूर करो। यदि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो दरिद्र नारायण की सेवा करो। मरते दम तक गरीबों के लिए सहानुभूति, यही हमारा मंत्र है। विवेक से विकास। गरीबी का कारण देश के लिए भले ही निरुत्तर प्रश्न हो, लेकिन गुजरात के गरीबों के लिए कदापि नहीं, क्योंकि गुजरात सरकार ने राज्य के गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर आंगन में आवश्यक साधन और सहायता पहुंचाई है। देश में भले ही गरीबों और सरकार के बीच बिचौलिए और दलाल मलाई खा जाते हो, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजरात में गरीबों के घर घर साधन और सहायता सरकार पहुंचाती है। पिछले वर्षों में करीबन 80 लाख से ज्यादा गरीबों को 12,000 करोड़ की सहायता हाथों हाथ पहुंचाई गई। गरीबी हटाने के लिए बिचौलियों रहित प्रभावशाली शासन शैली जब गुजरात दे सकता है तो देश क्यों नहीं। विवेक मंत्र। पश्चिम की दुनिया क्या कहती है? ली ले ली, जियो और जीने दे। हम कहते हैं जीवो जीवा दो अने जीवा दो, यानी अगर उसके अंदर जीने का सामर्थ्य नहीं है तो उसको जीने के लिए सामर्थ्य दो। हम एक कदम आगे। हमारे यहां मनुष्य जीवन को अहम से वयम की तरह, हमारे यहां तो नर करनी करे तो नारायण हो जाए, ये कल्पना की। हमारे यहां गरीब की सेवा को भी दरिद्र नारायण की सेवा कहा है। जन सेवा या प्रभु सेवा की कल्पना हमारे यहां की गई है। हम अगर उसको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। मैं नहीं मानता हूं कि मानव जात के कष्ट को दूर करने के लिए कोई और नए विज्ञान को खोजने की जरूरत पड़ जाए।